आईपीएल का 11वां मैच पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। लखनऊ की ओर से क्विंटन डिकॉक ने शानदार पारी खेली। डिकॉक ने 2 छक्कों की मदद से 38 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। इसके साथ ही निकल्स पूर्ण ने भी 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 21 गेंदों में 42 रन का योगदान दिया। निकल्स पूर्ण के बाद में कुणाल पांड्या ने भी 2 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी का योगदान दिया। इन तीनों की पारी के चलते लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 199 रन बनाए और पहली पारी में पंजाब की ओर शेम करण ने 3 विकेट अपने नाम किए। 200 रनों का पीछा करने के लिए पंजाब के ओपनर्स शिखर धवन और जॉनी बेस्टोक ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी, लेकिन इन दोनों की पारी बहुत धीमी रही। शिखर धवन ने 50 गेंदों में 70 रन बनाए। इसके साथ ही जॉनी बेस्टोक ने 29 गेंदों में 42 रन की पारी खेली। इन दोनों ने टीम के लिए बहुत अच्छा खेला, लेकिन इनकी धीमी पारी के चलते टीम यह मैच हार गई और पंजाब की टीम 20 ओवर में 178 रन बना सकी और यह टीम इस मैच को 21 रन से हार गई। इस मैच में लखनऊ की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए। मयंक यादव का यह डेब्यू मैच था और डेब्यू मैच में मयंक यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए, तो इस मैच को जिताने में मयंक यादव की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके लिए मयंक यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसमें पहले मिल जाए।